नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ है कि आपने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य की। तो रूल इसका होता है कि ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, प्लस विल या शैल। जैसा कि आप जानते हैं कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है और विल का प्रयोग से सभी के साथ करना है। प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका रूल होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इजी होता है। और ये ख़त्म होकर ख़त्म करके मैं नरेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसे बहुत जल्दी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि आई सेल ईट फूड, मैं भोजन करूँगा। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है फूड, तो आपको सबसे पहले फूड लिखना है, ठीक है। फूड लिखने के बाद विल या सेल, तो सेल का प्रयोग आपको केवल आई और वी के ही साथ करना है, से सभी के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फूड है, तो हम यहाँ पे सॉरी, सेल का प्रयोग आपको केवल आई और वी के साथ करना है, से सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फूड है, तो हम यहाँ पे विल लिखेंगे, विल। फिर बी, ये तो आंखें बंद करके लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन होता है थर्ड फॉर्म, तो फूड विल बी ईटन। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई लगेगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई का हो जाता है मी, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। एग्जांपल एक और कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो एग्जाम्पल है कि मधु एंड सुधा, ये यम कैपिटल है और सुधा का यस कैपिटल है, ठीक है। तो मधु एंड सुधा विल सिंग अ सॉन्ग विथ राधा, मधु और सुधा राधा के साथ एक गीत गाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें अदर वर्ड भी आ गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है अर्शोंग, तो हम अर्शोंग पहले लिख लेंगे। फिर विल या सेल, जाहिर सी बात है कि विल लगेगा, क्योंकि सेल का प्रयोग तो केवल आई और वी के साथ करना है। बी, आंखें बंद करके लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग होता है। फिर अदर वर्ड, यहाँ पे जो अदर वर्ड है वो है विथ राधा, तो इसको भी लिख देंगे विथ राधा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, कुछ अध्यापक इस अदर वर्ड को बाई सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यानी बाई सब्जेक्ट फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो अगर आप वैसे भी पढ़ते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक है। विथ राधा को अगर आप बाई सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो भी सही है, और विथ राधा को आप बाई सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो भी सही है, गलत नहीं होगा। तो विथ राधा और उसके बाद बाई लगाना है। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास मधु एंड सुधा, तो हम लिखेंगे मधु एंड सुधा। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, फुल स्टॉप करा दिया। अब एग्जांपल देता हूँ, तो ये एग्जांपल आपको खुद से करने हैं कि राम विल रीड हिज बुक, द प्योन विल रिंग द बेल, बेल है ये, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिखा है। उसके बाद मदर, यम कैपिटल में रहेगा, विल कुक फूड विथ हर डॉटर, तो खुद से कीजिएगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, निगेटिव सेंटेंस पर भी चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, बस विल और सेल के बाद नॉट लग जाएगा और बी वैसे ही रहेगा, यानी सब कुछ सेम रहेगा, बस विल और सेल के बाद नॉट लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये किसका रूल है? निगेटिव सेंटेंस का। बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, यही रूल याद कर लीजिए। और जैसे ही आप खुद से करेंगे आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं, परेशान नहीं होना होता इनमें, ठीक है। और मैं पैसिव वॉइस ख़त्म करने के बाद एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सुमित विल नॉट
प्ले क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। देखिए मैं अदर वर्ड्स पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ऐसे वाक्य लेने का प्रयास कर रहा हूँ जिनमें अदर वर्ड आए, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था कि सर अदर वर्ड वाले भी समझा दीजिए। तो ध्यान से समझिए कि सुमित विल नॉट प्ले क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जब मैं वाक्य लिखता हूँ तो उसे खुद से करने का एक बार प्रयास किया करिए। इसको कैसे करेंगे देखिए, सुमित विल नॉट प्ले क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सबसे पहले क्रिकेट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगनी ही हैं, कुछ नहीं देखना, ये तो विल और सेल देखना पड़ता है, बाकी नॉट बी तो अपने आप ही लिखा जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का होता है प्लेड। फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड यहाँ पे विथ हीज ब्रदर है, तो ये करेंगे विथ हीज ब्रदर, ठीक है। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है कि सुमित भाई, तो हम लिख देंगे बाई सुमित। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड विथ हीज ब्रदर बाई सुमित। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मदर विल नॉट बीट रामू। खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, आपको अपने आप आने लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो मदर विल नॉट बीट रामू, माता जी रामू को नहीं मारेंगी। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे भैया, पी बी। देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रामू, फिर विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट का बीटन हो जाता है, तो रामू विल नॉट बी बीटन। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मदर, एम ओ टी एच ई आर और फुल स्टॉप। तो रामू विल नॉट बी बीटन बाई मदर। खूब एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से कीजिएगा। हाँ तो भैया एक छोटा सा टेस्ट भी है आपके लिए, ये वाला वाक्य मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे करते हैं। तो ये वाला वाक्य आपको कमेंट करना है कि रोहित विल नॉट टीच हिंदी टू राधा, रोहित राधा को हिंदी नहीं पढ़ाएगा। और ये दूसरा वाला यानी तीसरा वाक्य है जो कि आपको होमवर्क करने हैं, एक दो दो ही वाक्य हैं, कि सुमित विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल, सुमित विद्यालय में गीत नहीं गाएगा। तो आई थिंक इसको आप करके कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने इसको कैसे किया है। अगर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो अगले वीडियो लेक्चर में यानी कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं पैसिव वॉइस, परफेक्ट का जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इस सेंटेंस को सॉल्व कर दूंगा। कमेंट जरूर चेक कीजिएगा, अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया होगा तो मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि उसकी कमेंट सबसे ऊपर दिखाई दे और आप उसका सही आंसर जान सकें। चलते हैं आगे, अफर्मेटिव से यानी निगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की बात करते हैं। रूल होता है विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेता हूँ, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लिया है, विल सुमन सिंग अ सॉन्ग। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव नीगेटिव सेंटेंस। तो इस वाक्य को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विल सुमन सिंग अ सॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए कि सुमन सिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले विल या सेल लगेगा, ऑब्जेक्ट को देखते हुए तो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग तो लगेगा विल, विल अ सॉन्ग। फिर ऑब्जेक्ट भी हो गया, नॉट तब लगाना है जब इस वाक्य में आपको कहीं पे नॉट मिले, तो नॉट नहीं है तो आपको छोड़ देना है, बी लगा देना है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग शंग होता है, फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं तो वाई लगेगा और सब्जेक्ट है हमारे पास सुमन, तो बाई सुमन और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसी वाक्य को ध्यान से समझिए, मेरा प्रश्न है कि अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि विल सुमन नॉट सिंग अ सॉन्ग, तब आप इसे कैसे करेंगे, मेरा प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। आप अगर पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो एक बार कीजिए खुद से, मैं करने चल रहा हूँ, देखिए कैसे होगा।
इसका पैसिव वॉइस आप ऐसे बनाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। विल है, विल के स्थान पे विल रहेगा। असोंग है, असोंग यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे असोंग है, तो असोंग ही रहेगा। बस असोंग के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको नॉट मिलता है। मैंने कहा जब इस वाक्य में कहीं पे नॉट हो तो आपको नॉट लगा देना है, तो यहाँ पे नॉट आपको मिलेगा तो आपको भी नॉट लगा देना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख देना है। नॉट बी संग यानी यही जो लिखा था बाई शुमन क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। ये पहला वाला वाक्य जो था ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट था, और ये जो दूसरा वाला वाक्य है इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहते हैं। मोटी मोटी बात आप समझिए, आपको कुछ भी रटना नहीं है, किसका क्या नाम है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे अगर नॉट दिखता है तो आपको नॉट लगा देना है, और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में क्या होगा कि विल और शैल के ठीक पहले ऑब्जेक्ट लग जाए, सॉरी क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड होता है उसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं ताकि हम समझ सकें इस बात को। जैसे रामू, यहाँ पे रामू नहीं होगा, वाई करते हैं, वाई विल रहेगा, वाई विल रामू। इस वाक्य को फिर से लिखता हूँ ताकि आप समझ सकें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वाई विल रामू टीच हिंदी क्वेश्चन मार्क। ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे इस वाक्य को। वाई विल रामू टीच हिंदी, रामू हिंदी क्यों पढ़ाएगा। इस वाक्य को कैसे करेंगे, सबसे पहले पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है वाई। फायदा ये है कि वाई पहले ही मिल जाएगा, जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले ही मिलता है। विल या शैल किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट है हिंदी तो लगेगा विल, फिर लगेगी हिंदी, फिर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है, यहाँ पे कहीं पे नॉट नहीं है तो आपको भी नॉट नहीं लगाना, बी लगा देना है, हिंदी बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट होता है, टी ए यू जी एच टी। उसके बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है रामू, तो बाई रामू, और यह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर यही वाक्य इस तरह से हो जाए कि बाई विल रामू नॉट टीच हिंदी, तो ये वाक्य कैसे होगा, कमेंट करके बताइए। अभी तुरंत कमेंट कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आपने ये वाक्य कैसे किया है। वाई विल रामू नॉट टीच हिंदी, ये वाक्य था वाई विल रामू टीच हिंदी, मैं कह रहा हूँ वाई विल रामू नॉट टीच हिंदी, ये वाक्य कैसे होगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिन्हें खुद से कीजिएगा। तो ये वाक्य है कि विल सीता बीट गीता, वाई विल टीचर नॉट टीच हिंदी, Shall I not eat an apple? Why shall we not play Ludo with friends? खुद से कीजिएगा, और भी अगर एग्जाम्पल कहीं से मिलते हैं तो उन्हें भी हल कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।